नमस्कार बीसीएन न्यूज की खास मुलाकात में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आपको ऐसे पर्सनालिटी से मिलवाने जा रहे हैं जो कि बॉलीवुड का जाना माना नाम है, कॉन्ट्रोवर्सिया जो बहुत सी बटोर चुके हैं, साथ ही इसके साथ साथ 2012 में मिस एशिया बिकनी खिताब से भी इन्हें नवाजा गया है। जी हाँ, मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ गैना वशिष्ठ की, आज हमारे साथ है और उनकी पूरी टीम भी हमारे साथ है। जो गैना जो है नागपुर में आई है अपने एक एल्बम सॉन्ग के शूट के लिए, एल्बम सॉन्ग के जो म्यूजिक डायरेक्टर प्रोड्यूसर है वो भी हमारे साथ है, और उन्हें इतना सुंदर जो मतलब वो है ही, लेकिन उनका लुक जो बनाया है अर्चना राठौड़ वो भी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा पहला सवाल जो है गहना से है, गहना कैसे मतलब क्या बताओगे आपकी जर्नी के बारे में, आप छत्तीसगढ़ के गाँव से आती हो और मुंबई में आकर इतना बड़ा नाम, मतलब 30 फिल्में करीबन साउथ की आपने की है, स्टार प्लस की बहना सीरियल में भी आपने काम किया है, उसके बाद जो है गंदी बात इसमें भी आपने काम किया है, तो इस मतलब तब तक का सफर कैसा था आपका, क्या बताओगे? आपका होमवर्क काफी अच्छा है। मैं बहुत ज्यादा छोटे शहर से हूँ, छत्तीसगढ़ में बहुत छोटा सा स्मॉल टाउन है चिरमिरी। मेरे फादर वहाँ जॉब किया करते थे SCCL में, और ये कोल माइंस है वहाँ पे, बहुत बहुत छोटा सा। वहाँ से मैं निकली, मैंने AIEEE, IIT, JEE, CGPET, MPPET सबके एग्ज़ाम दिए। उसके बाद मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, लाइफ चलने लग गई, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं एक दिन रोड क्रॉस कर रही थी और भास्कर TV का एक रिपोर्टर मेरे पास आता है, वो कहता है कि मैम आप मॉन्टे कार्लो की ऐड करोगे? मैंने कहा तेरा दिमाग ख़राब है, डू आई इवन लुक लाइक अ मॉडल? तो ही सेड नहीं नहीं नहीं, वाई डोंट यू ट्राई इन दिस? मैंने कहा नहीं यार, मतलब काम ही नहीं अपना ये। तो उसने मुझे एक ऐसी डेट बताई जिस दिन मेरा कैट का एग्ज़ाम था, मैं कैट की प्रिपरेशन कर रही थी और मैं बहुत अच्छी हूँ पढ़ाई में, अभी मैं बहुत अच्छी अभी मैं पढ़ती हूँ। सो मैंने कहा पैसे कितने दे रहे हो? तो द अमाउंट विच ही हैज ऑफर्ड मी, उससे मेरी एक साल की फ़ी कवर हो रही थी। मैंने कहा यार ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर मैं मॉडलिंग का नहीं सोचूं तो मेरी एक साल की फ़ी कवर हो जाती है, एंड दैट वाज अ गुड थिंग। मैंने कहा डन, लेट्स डू दिस। एंड यू वोंट बिलीव, दैट वाज मतलब फर्स्ट टाइम जब मैं पार्लर गई थी, मैं आई यूज टू पुट लॉट्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल, मैं स्पोर्ट्स शूज़ पहनती थी, मैं NCC में भी थी, स्काउट गाइड में भी थी, मैं वॉलीबॉल भी खेला करती थी, स्टेट लेवल से खेला मैंने, टोटली अपोजिट, एकदम अपोजिट। मैं यू वोंट बिलीव उन दिनों ऑर्कुट चला करता था, मैं मेरी क्लास में अपने शूज़ उतार के बैठा करती थी, क्योंकि मैं उसके पहले एक ऐसे स्कूल से थी जहाँ पे पढ़ते समय शूज़ उतार देते हैं। अच्छा, सब कुछ चेंज हो गया। एंड द मोमेंट आई डिड दैट एड, मेरे बैचमेट्स ने मुझे सेलिब्रिटी ट्रीट करना शुरू कर दिया। ये वही बैचमेट्स थे जो मुझे कभी अपनी पार्टीज में नहीं बुलाते थे, उनको लगता था यार ये कितनी बहन जी टाइप की है। एंड चीज़ें सब बदल गई, सब कुछ अलग हो गया। उसके बाद मुझे सेंट फ्रांसिस इंजीनियरिंग कॉलेज है बोरीवली में, वहाँ पे मैं एज अ टीचर जॉब कर रही थी फॉर सम टाइम। मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन और एक और सब्जेक्ट पढ़ाती थी। तो वहाँ मुझे मिले चांदनी बार के राइटर मसूद मिर्जा, ही केम टू मी एंड ही वाज लाइक व्हाई डोंट यू डू माय फिल्म? मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, एक के बाद एक। हाँ, मैं कैट की तैयारी कर रही हूँ, मुझे ऐड मिल रही है, मैं पढ़ाना चाहती हूँ, मुझे फिल्म मिल रही है। सो वो फिल्म तो मैं नहीं कर पाई, बट दिस इज हाउ थिंग्स हैज बीन स्टार्टेड, और चलता गया। अभी मैं आपके सामने हूँ, मेरा पहला शो था बहने, आपका होमवर्क बहुत अच्छा है, मस्त है। फिर मैंने 2012 में मिस एशिया बिकनी का क्राउन जीता, फिर मैं साउथ शिफ्ट हो गई 30 फिल्म की। मैंने 2015 में वर्ल्ड कप भी किया, मैं 2015 में वर्ल्ड कप एंकर भी थी, अतुल वासन वगैरह के साथ, और सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन मुझे ऑफर मिला फिल्में डायरेक्ट और प्रोड्यूस करने का। मैंने मार्केट में नाना करके भी 150 के आसपास एक्टर्स लॉन्च किए हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा था, एंड देन दिस इनफेमस कंट्रोवर्सी हैड हैपेंड, एंड नाउ आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। जो उसके बाद जो है आपका ये कमबैक होने जा रहा है, जिसके लिए आप नागपुर आई हो एक एल्बम सॉन्ग के शूट के लिए जिस दिन से शायद। एग्जैक्टली, तो उस बारे में क्या बताओगी? मैं बोलना ये चाहूँगी, मैं RD को पहले से जानती हूँ जो कि सॉन्ग का डायरेक्टर प्रोड्यूसर है। हम लोगों ने एक सॉन्ग किया था 2018 में, एंड काफ़ी अच्छा सॉन्ग था, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा था। सो ऑल ऑफ सडन एक दिन मुझे RD का कॉल आया, कैसी हो गहना? मैंने कहा कमाल है यार, तुझे मेरी याद आ गई, बता। तो ही सेड कि एक सॉन्ग है, करोगी? मैंने कहा नहीं, अभी फ़िलहाल मैं कुछ बड़ा सोच रही हूँ। तो बोला बिलीव मी, ये सॉन्ग बहुत अच्छा, सुनो। मैंने सॉन्ग सुना एंड मैंने कहा यार सॉन्ग तो अच्छा है,
तुम कैसा शूट करने वाले हो? तो उसने बोला ऐसा ऐसा. मैंने कहा तू कुछ मत कर, मैं बताती हूँ कैसा करना है. एंड ही अग्रीड टू इट एंड देन म्यूचुअली वी बोथ हैव डिसाइडेड कि हमें ऐसा करना है और बहुत एक्साइटेड है. द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग कि उसमें सारे नागपुर के लोग हैं एक्सेप्ट मी. ये सारे नागपुर के टैलेंट को आगे लेके जाना चाहता है और मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो अपनी ज़मीन से जुड़े होते हैं. आप अपनी ज़मीन के साथ हरामी नहीं कर सकते, ठीक है? तो आप अपनी ज़मीन से जुड़े रहिए, आप उन्हें बढ़ाते रहिए. और जो मेजर रीज़न था टू से यस टू द सॉन्ग यही था एंड आई एम एंजॉइंग इट. बिल्कुल, आपने जैसे बोला कि यहाँ मतलब यहाँ के बहुत से आर्टिस्ट इसमें हैं, उसी के साथ मेकअप आर्टिस्ट जो यहाँ की है मतलब सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है अर्चना राठौर जी, वो भी हमारे साथ है. उन्होंने आपको मतलब पूरा लुक जो है उन्होंने सेट किया है. मैम क्या बताओगे आपने, मतलब किस तरह से क्या बताओगे इस एल्बम सॉन्ग के बारे में? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आज डिसीजन पर आप हम गहना जी के साथ हम यहाँ पर बैठे हुए हैं. और एल्बम के बारे में बताएं तो आरडी सर ज़्यादा अच्छे से बताएंगे और अगर मुझे पूछा जाए तो मैं मेकअप के बारे में ज़्यादा अच्छा बताएंगे. हमें पूछना है कि किस तरह का लुक है इसमें मैम का. इसके पहले भी मैंने वीडियो एल्बम म्यूजिक एल्बम के लिए काम किया हुआ है तो इसीलिए थोड़ा नॉलेज इस चीज़ का है मुझे. हाल ही में मैं अभी राजू रुहिया सर के साथ भी एक वीडियो एल्बम कर आई हूँ, उसमें भी मेरा ही मेकअप था. सो सर ने जैसे ही मुझे गहना मैम के बारे में बताया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि सर ने मुझे बोला कि एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपको भी इसमें रहना है साथ में. उसके साथ साथ एक अच्छा यानी सबके साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशनशिप बहुत अच्छी है. जो भी आज नागपुर के एंकर हो या फिर डिज़ाइनर हो जो भी हो तो एक अच्छा बॉन्डिंग हम लोग का है. जैसे आपके यहाँ स्वप्निल सर के साथ भी अभी हम सोच रहे हैं नया कोई प्रोजेक्ट हम साथ में करें तो जैसे ही सर ने मुझे बताया कि गहना मैम आ रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई. और मैं पिछले दो दिन से मैं गहना मैम के साथ हूँ. मेरा वर्क उन्हें पसंद आ रहा है और स्पेशली आज जो कुछ भी हम लोग यूट्यूब पर देखते हैं या फिर सोशल मीडिया पर हम जो देख रहे हैं तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि इंसान को आप परखो, आप साथ में देखो उनके साथ रहकर. ये सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब ये जो भी है इन सब से हम लोग किसी इंसान को सोच नहीं सकते, परख नहीं सकते कि वो इंसान क्या है कैसा है. क्योंकि आज मैं जैसे आरडी सर के साथ भी मैं आज काम कर रही हूँ. बहुत सारे ऐसे होते हैं कि उतार चढ़ाव आते हैं लाइफ में तो इंसान को हर तरह के लोगों के साथ जुड़ना पड़ता है. तो मैंने भी आज आरडी सर के साथ किया, बहुत लोगों ने मुझे रोका टोका जो भी है और मुझे सच्चाई बयान करना अच्छा लगता है. जो भी चीज़ें मैं सामने से बोलती हूँ मुझे पीठ पीछे बात करना नहीं पसंद. तो मैं आज आरडी सर के साथ हूँ. मेरे साथ मेरी फ्रेंड रेखा शर्मा भी है वर्धा से, वो एक बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है. तो हम लोग साथ में जुड़े हैं सर के साथ तो मुझे ऐसा लगता है कि आज ये म्यूज़िक एल्बम जो हम लोग यहाँ पर दो दिन से जो वर्क कर रहे हैं तो इसके साथ मैं आप जो लोग ये न्यूज़ देखेंगे मैं उनको भी कहूँगी कि सर के साथ मैं काम कर रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि वो वर्क को लेकर बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक है और बहुत ज़्यादा लॉयल है. और मैं लॉयल लोगों के साथ ही काम करती हूँ. और साथ में मैं मैम के लिए भी बोलना चाहूँगी कि आप जो देखते हो सुनते हो उससे ज़्यादा आप इंसान को देखो. क्योंकि मैं दो दिन से इतनी यानी जेन्युइन पर्सन मैंने नहीं देखा. यानी हर किसी के साथ जो स्पॉट बॉय हो शूट पर या फिर कोई भी हो, मेरे साथ मेरी असिस्टेंट्स है, उसके बाद डिज़ाइनर्स है साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद कैमरामैन से लेकर तो जो भी हमारे शूट पर जो भी पूरी टीम है इतना अंडरस्टैंडिंग नेचर है उनका कि हर छोटी मोटी बात को वो स्किप करके वो सबके साथ बहुत अच्छे से तालमेल बनाकर काम करते हैं. तो आई अप्रिशिएट और हैट्स ऑफ यू मैम कि बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ काम करके. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बिल्कुल, मेरा सवाल जो है गहना से है, क्या बताओगे आप हॉट एंड बोल्ड लुक के लिए पहचानी जाती हो तो ट्रेडिशनल लुक या ऐसे कुछ अलग लुक में या अंदाज में आपको देखने मिलेगा दर्शकों को? आप मुझे बहुत जल्दी देखेंगे. मैं खुद भी काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ क्योंकि हो क्या जाता है ना, लोग आपको ना टाइप कास्ट कर देते हैं. बिल्कुल, लोगों के दिमाग में एक इमेज बैठ जाती है कि यार अगर ये शी इज़ वेयरिंग अ बिकनी तो ये बिकनी ही चलेगी. और एक और प्रॉब्लम हो जाती है, लोगों को लगता है यार जब ये बिकनी पहन रही है और अच्छा कर रही है वी आर पेइंग फॉर हर तो हम इसे साड़ी क्यों पहना है और साड़ी पहना के क्यों पे करें. हाँ. एक मेंटालिटी सेट हो जाती है और देखने की मतलब जो व्यूअर्स है उन्हें भी देखने की आदत हो जाती है कि हमें इन्हें इसी लुक में देखना है. खुद भी चाह रही हूँ कि मैं कुछ नया करूँ. मेरे पास कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे मेरी बात चल रही है
और बहुत अच्छी फिल्म्स हैं, लेकिन मैं अभी क्या है ना, कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो मुझे ज़िंदगी में बहुत अच्छे से सोच समझ के भी कदम रखना होगा। आई एम जस्ट इन टच विद सम डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, सुन रही हूँ, कुछ अच्छा लगा तो बिलीव मी आप मुझे फर्स्ट सीन से लास्ट सीन तक ना, राष्ट्र की फिल्म आपने देखी है विवाह वगैरह, अब मुझे वैसा देख लेंगे, उसका इंतजार रहेगा। बिल्कुल, मुझे बताइए ये जो कमबैक आप करने जा रही हो, तो इसका मतलब किस तरह, मतलब ये एक साल जो है आपने किस तरह से गुजारा है और कमबैक के लिए आप कैसे प्रिपेयर हुए हैं? आपको मैं एक बात बताऊँ, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, जब आप कोई काम करते हैं ना, चाहे आप अच्छा करें बुरा करें, आपके पेरेंट्स आपको गीता आपको हर चीज़ सिखाती है कि जैसा आप करोगे आपको वैसा फल मिलेगा। आप जो बोओगे वही आप काटोगे, अगर आप बबूल बोओगे तो आपको गुलाब नहीं मिलेगा, आप जो बोओगे वही आपको मिलेगा। सो मैं ना हमेशा इस बात को मानती हूँ, ना सिर्फ आज से, हमेशा से, कि अगर मैं किसी के साथ गलत करूँगी तो मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होगा। सो जब ये सब कुछ मेरे साथ हुआ, मैं कभी भी मेंटली प्रिपेयर नहीं थी। मैं लॉकडाउन के टाइम पे, मेरे पास 70 से 80 लोगों का स्टाफ है, मैं उन्हें हर महीने सैलरी देती हूँ और मेरे पास सारी के सारी इनकम वाइट की है, मेरे पास अगर 1 रुपया भी है तो भी अकाउंट में आता है और मैं सबको पैसे दे रही थी, सबकी सैलरी थी, सब लोग अच्छे से काम कर रहे थे, सभी आर्टिस्ट, अगर आप मुंबई में पूछोगे किसी से तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 150 एक्टर लॉन्च किए, दे ऑल वर वेरी हैप्पी विथ मी। बट वन डे पता नहीं क्या क्या गलती हो गई थी मुझसे, या किसी और को कहते हैं ना कि पता नहीं कैसे हो गया कुछ, मैं ऑल ऑफ सडन अरेस्ट हो गई। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं इन चीज़ों के लिए कभी भी प्रिपेयर नहीं थी, तो मेरे साथ मैंने नहीं किया कुछ भी गलत काम, तो अगर मेरे साथ गलत हुआ, जिसने गलत किया उसके साथ ज़रूर गलत होगा और होना भी चाहिए। और जैसे कि आपने मुझसे कम बैक की बात की, कैसा रहा मेरा साल बुरा था क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं थी। अगर मैंने गलत किया होता तो मैं बड़ी ठाट बाट से जेल में जाती और मैं कहती यार मैंने किया है लो देखो, तो मैं प्रिपेयर नहीं थी। सो मैंने सारी चीज़ें फेस की, मैं बहुत ही अलग किस्म के लोगों से मिली, मैं अपनी लाइफ में कभी भी इलिटरेट लोगों से नहीं मिली थी, मैं कभी भी ड्रगिस्ट ड्रग पैडलर्स जो 302 307 370 जो अजीब अजीब से केसेस में इन्वॉल्व होते हैं, मैं उनसे कभी नहीं मिली थी। तो मैं बहुत ही एक अलग किस्म की दुनिया, इवन मैं कभी पुलिस से भी मेरा इंटरेक्शन नहीं था, नेचुरली जब हम काम नहीं करते तो कैसे होगा। तो फॉर मी इट वॉज अ वेरी डिफरेंट जर्नी, बट समहाउ आई हैव मैनेज्ड। अभी मैं और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हूँ, मतलब इस लोहे को और ज़्यादा से ठोक ठोक के और स्ट्रांग कर दिया गया है। और मेरा जो कमबैक है, ये बात सच है, मैं जब से बाहर आई हूँ ये मेरा पहला सॉन्ग है, ये मेरा कमबैक बहुत अच्छा होने वाला है और मेंटली मैं पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। एंड आप मुझे आगे बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स में बिगर गहना वशिष्ठ, स्ट्रांगेस्ट गहना वशिष्ठ देखने वाले हैं। बिल्कुल, इंतज़ार रहेगा उसका भी। ग्लैमर की दुनिया में मतलब आपने बहुत सी सुर्खियाँ बटोरी है हॉट एंड बोल्ड लुक की वजह से, तो ये आप मतलब उसी के लिए करती हो या पब्लिसिटी स्टंट भी है? और राखी सावंत को भी आपने मतलब पीछे किया है, ऐसा भी बोलना है, तो क्या कहोगे इस पर? देखो सी होता क्या है ना, व्हेन यू डोंट हैव अ गॉडफादर, जब आपके पास बैकअप नहीं होते, जब आपके पास कोई भी चीज़ नहीं होती और जब आप बहुत ही अलग दुनिया से आते हो। यार मैंने कभी एक्टिंग नहीं की थी जब मैं आई थी, बाद में मैंने थिएटर किया, मैंने नुक्कड़ किया, सो मुझे पता नहीं था मैं क्या करूँ, पैसे भी चाहिए थे काम करने के लिए। तो मेरी फर्स्ट मैगज़ीन कवर था स्टार वीक मैगज़ीन, स्टार डस्ट का ही है, सो मुझे कवर पेज के लिए बिकनी था, मुझे दे वर पेइंग मी गुड अमाउंट, पैसे चाहिए थे, मैंने बिकनी किया एंड आई फाउंड माई सेल्फ वेरी कम्फर्टेबल, मैं खूबसूरत दिखी बिकनी में जब मैंने फिगर मेंटेन कर रखा है अभी तक। सो मैंने देखा यार टॉप की हीरोइन है, चाहे वो ऐश्वर्या राय हो चाहे कोई भी हीरोइन हो, सब बिकनी पहनती हैं, उसमें कोई बुरा नहीं है, बस देखने का नज़रिया बदल जाता है अगर आपके पीछे एक बड़ा नाम हो। मैं बिकनी कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास वो फिगर है, विद्या बालन नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास फिगर नहीं है। सो आई एम डूइंग वेल, मुझे कुछ और अच्छा मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी और इसके पीछे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है यार, आप कर सकते हैं कैरी तो क्यों ना करें। ये बात सही है। इसमें घर वालों का कैसा सपोर्ट है, मतलब बिकनी शूट आप छोटे शहर से आती हो तो? इनिशियली जब मैं बॉम्बे आई थी मेरे घर वालों को नहीं पता था कि मैं मॉडलिंग में आ गई हूँ, उनको लगा था कि मैं किसी बड़ी कंपनी, इवन मेरे फादर वॉज थिंकिंग कि मैंने TCS ज्वाइन कर लिया है। मैंने TV शो ज्वाइन किया, बहने एक
और 8:30 के अप्रॉक्सीमेटली आता था। मैंने 8 months वो शो कर लिया, मेरे पेरेंट्स को नहीं पता कि मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे फादर जॉब करते हैं और मेरी मदर वॉज अ डॉक्टर। सो और मेरे घर में सब इंजीनियर हैं, मेरे फादर भी इंजीनियर हैं, मैं भी हूँ, मेरे दोनों भाई भी हैं। तो ज़्यादा उनको टीवी देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो या तो क्रिकेट देखेंगे या तो मम्मा मेरी आस्था चैनल देखती थी, बाबा रामदेव का शो दे लो। तो अचानक से एक दिन मेरे नेबर घर पे आए एंड दे वर लाइक कि वंदना टीवी कर रही है। मेरे पापा ने बोला पागल हो गया, वंदना को कौन टीवी बुलाएगा। तो मतलब मेरे पापा को लगा ही नहीं कभी मतलब हमारी बेटी पहुंच सकती है या तो क्या ऐसे, उसमें मतलब ये अलग ही दुनिया थी। हाँ। क्योंकि मम्मी जो है डॉक्टर है, पापा इंजीनियर है और बेटी बॉलीवुड में चली। हाँ, और मेरी दादी रिटायर्ड प्रिंसिपल है कॉन्वेंट स्कूल की, और मेरे नाना जी भी एक कॉलेज के बड़े प्रोफेसर हैं। मेरे नाना जी बुक्स वगैरह लिखते हैं, बड़े पब्लिशर हैं। तो बिलीव नहीं हुआ, बट देन उन्होंने जब टीवी में देखा मुझे फ़ोन किया, कहाँ हो तुम? मैंने कहा पापा मैं ऑफिस में हूँ। तो बेटा कौन सी ऑफिस में, ये बता। मैंने बोला पापा मैं कर रही हूँ। बेटा सामान पैक करो, घर वापस आओ और तुम्हारी जॉब सर्टिफिकेट लेकर आओ। मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया फॉर अ वीक टाइम, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट में थी, मैं शो नहीं छोड़ सकती थी। देन फाइनली 1 या 2 दिन के बाद ना मेरे सारे नेबर्स घर आने लग गए, वंदना टीवी शो कर रही है, वंदना टीवी शो कर रही है, अब हमारे बच्चों को पहुँचा दो। तो मेरे फादर को रियलाइज हुआ कि यार ये तो कुछ बड़ा हो गया लाइफ में, अनबिलीवेबल है, जो कभी सोच नहीं सकते थे। सो देन ही एक्सेप्टेड। फिर जब मैंने मिस एशिया बिकनी का क्राउन जीता, मुझे छत्तीसगढ़ में बुलाकर फेलिसिटेट किया गया और मेरे फादर को बुलाया गया, उन्हें भी फेलिसिटेट किया गया। तो उन्हें रियलाइज हुआ यार मेरी बेटी बहुत बड़ा कर रही है, बहुत बड़ा और कुछ अच्छा कर रही है, कुछ अच्छा कर रही है। सो कहते हैं ना कि अगर आप सक्सेस की जर्नी की बात करें तो कोई नहीं मानता, लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो ना तो सब मान लेते हैं। तो दिस इज हाउ थिंग्स हैज बीन डन। बिल्कुल। अब मेरा एक सवाल है रोमिल जी से। आपने ये एल्बम सॉन्ग जो है प्रोड्यूस किया है, मतलब ये कैसा मतलब ख्याल आया कि ये सॉन्ग हमें करना है, कैसी ये जर्नी थी? ये जर्नी ऐसे देखिए, ये जो सॉन्ग है जिस दिन से ये इनके जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं अक्षय रॉय, वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और वो सिंगर भी हैं, लिरिक्स राइटर भी हैं। अचानक से लग तरह करवी के बाद से मेरा बहुत मेरे कोई गाने ज़्यादा नहीं आए थे, मैं कुछ शोज़ में था और लॉकडाउन से बहुत डिस्टर्ब था। तो फिर अचानक से जब मैं उनके साथ बैठा, उन्होंने मुझे कुछ गाने सुना, मैंने कहा कि मुझे कुछ गाने वापस मुझे कम बैक फिर से आना है। लग तरह करवी के बाद से बहुत ही 2-3 साल का गैप हो गया था एज एन आर्टिस्ट, उन्होंने वो हिम्मत दिखाई कि वापस कर सकते हैं। तो ये गाना सबसे पहले जिस दिन से सुनाया था, इससे पहले मैंने 2 गाने और किए हैं अभी मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पे। तो ये गाना मुझे बहुत पसंद आता है और जैसे पसंद आता तो मेरे सबसे पहली जो नज़र में थी वो गहना वशिष्ठ थी। तो गहना वशिष्ठ के लिए मैं, लेकिन ये उस समय जिस समय इनका मतलब कास्ट कैसे किया, हाँ जिस समय इनके साथ जो हादसा हुआ उस समय सबसे पहले गाने में मैं खुद लीड हीरो ही आ रहा था और गहना तब से मेरे दिमाग में थी, लेकिन इनके साथ जो हादसा हुआ इस बीच में क्या था कि मैंने 2 गाने पहले कर लिए, क्योंकि ये गाना है कुछ बड़े लेवल पे करना था, मुझे कुछ बड़ा करना था। तो इनके साथ जो हादसा हुआ, अब देखो मैं नहीं होता कोई जज कर रहा, क्योंकि मैं नहीं मानता ये गलत है, ये मैं सालों से जानता हूँ, बहुत लंबा समय हो गया, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है गहना वशिष्ठ, तो इसलिए इतना जानता हूँ। जैसे अभी अर्चना राठौड़ जी ने कहा, बिना जाने बिना परखे आप किसी के बारे में कह नहीं सकते, तो वैसे ही जैसे ही गाना इनके साथ वो चीज़ें हुई और ये जब बाहर निकली मुझे बहुत खुशी हुई और मेरा सबसे पहले इनको कॉल किया कि अपने गाना करते हैं जो मेरे पास है, जिस दिन से इनको पसंद आया वो गाना। और ये गाने में मैं खुद हटके, मैंने सोचा मैं हर बार एक्टिंग करते ही रहता हूँ, जब मैं डायरेक्टर भी हूँ प्रोड्यूसर भी हूँ, तो इसमें मैं ऐसे पहली बार एज ए डायरेक्टर उतरना चाहता था, मेरी कोशिश है। तो मैंने गहना का सपोर्ट किया कि लिया, क्योंकि गहना ऑलरेडी कई सारी एज अ प्रोड्यूसर के साथ एक्ट्रेस के साथ वो एक डायरेक्टर भी है बॉलीवुड में एस्टैब्लिश। तो मैंने सपोर्ट लिया कि गहना मुझे मदद कर कि मैं एज ए डायरेक्शन में भी आना चाहता हूँ। तो इसमें मैं एज ए डायरेक्टर भी आ रहा हूँ फर्स्ट टाइम। ये स्टोरी जो बनी है ये मेरी और गहना की म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग में है, सपोर्ट किया है और डायरेक्शन भी मिलकर दे रहे हैं। और इसमें हीरो जो है हर्षल गुनाड़े, अपने नागपुर शहर से, विदर्भ से ही, जो न्यू कमर है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, और मैं और गहना मिलकर इस गाने को जी म्यूजिक के लिए कोशिश करेंगे, हम जी म्यूजिक पे लेकर जाएं इसे और एक बेहतर बनाने में पूरी कोशिश की जा रही है। और यहाँ गहना को छोड़कर पूरी टीम सिर्फ नागपुर से है, क्योंकि मेरी एक कर्मभूमि है, मैं यहाँ से हूँ, इसलिए मेरी इच्छा थी इस शहर में, मेरे साथ भी कुछ लाइफ में अतीत में हादसे हो चुके हैं,
तो मैं अपने शहर में वापस, मेरे भी एक कमबैक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि वापस कुछ बेहतर और नया करूँ, लोगों को चांस दूँ कि लोगों को लगता है कि रुमल गलत है। तो मैंने आज इतने सारे लड़कियाँ लड़के मेरे साथ काम कर रहे हैं, वापस इस गाने के माध्यम आपको देखने को मिलेगा, तो आज वो तारीफ़ कर रहे हैं। अब मैं ये गाने कल की शूट के बाद से, आप लोगों की प्रमोशन मीडिया के बाद से, आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो लोग, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया था, नहीं चाहते थे, आज अनब्लॉक करके मुझे मैसेज आ चुके हैं 11 लोगों के कि सर मिल सकते हैं क्या, काम करना है, मिलना है, बात करनी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो गहना के लिए मुझे चार लोगों ने मैसेज किया कि क्या रुमान फिल्म, मतलब मेरी लाइफ में भी कुछ हादसे हुए हैं, इनके लाइफ में भी हादसे हुए, तो अब रुमान फिल्म यानी मेरी कंपनी और प्रोडक्शन हाउस भी पॉन बनाएगा नागपुर में। तो ऐसे मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मेल थे जो करने वाले थे वो लड़के थे, लड़कों ने मुझे ऐसे मैसेज किए, मेरा रिप्लाई नहीं दिया। मैंने एक ही चीज़ सोची, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, रुमान फिल्म क्या बनाएगा ये ज़माना देखेगा, और मैं और गहना तो मिलकर अब जितनी बदनामियाँ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने सोचा था कि अब गहना को लेकर ही ये गाना बनेगा, कुछ भी हो जाए और एक बेहतर चीज़ लेकर आऊँगा, और जो देखने वाले हैं वो भी, और जैसे अब ये चीज़ें जा रही हैं सामने, वो लोग जिन्होंने मुझे मैसेज किया था, चार लड़के, अभी वो खुद होकर माफ़ी मांग रहे हैं, आई एम सॉरी हमें पता नहीं था, ठीक है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि गहना की वजह से लोग गहना को गलत बोलते हैं, मुझे गलत बोलते हैं, मेरे लिए या गहना के लिए या मेरे गाने के लिए, मेरी कंपनी के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो रही है और सही हो रहा है। और सबसे बड़ा इस गाने में जो सपोर्ट हैं, मुझे सपोर्ट, मुझे हिम्मत देने वाली हैं, बोलते ना हर चीज़ के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मैं सही कहूँगा, मैं कोई चीज़ लुका छिपी नहीं है, मैं लाइव मीडिया के सामने, कि मुझे हिम्मत देने वाली अब वापस मेरे घर के परिवार के तो हैं ही, जो मुझे हमेशा से हिम्मत देते आए हैं, आज भी दे रहे हैं कि नहीं उठ रुमल कुछ करना है कर। ये आज ये अर्चना राठौड़ जिन्होंने, मैं जिनसे मिला कुछ टाइम पहले, जानते सालों से हैं, हमारे नागपुर के ऑफिसेस भी एक ही लाइन में हैं, और इन्होंने हिम्मत दी, मैं साथ खड़ी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने खड़े खड़े, आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरे इतनी सारी लेडीजें मेरे साथ जुड़वा दी हैं, और ये करते करते गहना ने मुझे इतना सब, वो भी एक फीमेल है, कॉन्ट्रोवर्शियल में फंसी हुई थी, वो मेरे साथ खड़ी, हम खड़े हैं साथ में मिलके, आज देखो आज करते करते मेरा गाना इतना अच्छा हो रहा है, लोगों से तारीफें मिलनी चालू होगी, तो मुझे खुद का बहुत खुशी मिल रही है। और मतलब दोनों का कमबैक है, और जो है अभी से सुर्खियां जो है अच्छी सुर्खियां जो है बटोरी जा रही है, आगे तो देखना होगा कि क्या रंग लाता है ये सॉन्ग। सॉन्ग के बारे में बताइए किस टाइप का है सॉन्ग, ये सॉन्ग जो है ना वो एक फ्लर्टी टाइप का या हिप्पी टाइप का सॉन्ग है, जैसे एग्जांपल आप लव डोज देखा हनी सिंह का, उर्वशी रौतेला का, या गर्ल बन गई है विद्युत जामवाल, ये उस टाइप का सॉन्ग है। मतलब गहना वशिष जो है, मैं स्टोरी मैं एकदम सस्पेंस तो नहीं खोलना चाहूँगा, लेकिन हाँ ये स्टोरी में बस ऐसा है, एक सस्पेंस है जो लास्ट में खुलेगा, और गहना एक डरी हुई एक जगह पर एंटर करती है, कहीं से भागती हुई हीरो से टकराती है, फिर हीरो और इनका एक एक दूसरे में जो वो है, मतलब एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, एक रोमांस टाइप से चीज़ें आती हैं कि ना हीरो को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है, लेकिन हीरोइन जो है वो पसंद तो करना लग जाती है, लेकिन वो ना जाहिर नहीं करते, और वो थोड़ा एटीट्यूड में है, और वो चीज़ें धीरे 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 क्या होता है, क्या अब ऐसे ही कोई लड़की अगर पड़ जाएगी एक बार में तो कैसे फिर मतलब ही क्या है। तो मेन है कि औरत का गहना होता है, ये खुद ही गहना है, थोड़ा सा नखरे करना है ना, ये तो खुद ही गहना का क्या कहना है। तो अब ऐसा है कि इसमें जो हीरो है वो लास्ट तक कोशिश करते रहता है, और लास्ट में जाकर गहना आखिरकार मानी जाती हैं, उनसे पट जाती हैं, और लास्ट में जो वो सस्पेंस खुलता है, तो ये दोनों उससे, उस एल्बम से, उस चीज़ से ही गायब हो जाते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग बन रहा है, बनने के बाद आप सबको देखने को मिलेगा। और मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ BCN न्यूज़ को, BCN चैनल को, कि इस चैनल ने और बाकी मीडिया ने भी और बाकी पब्लिक ने, नागपुर शहर के लोगों ने और बाकी हर जगह लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, हमेशा कर ही रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे इस गाने को भी सपोर्ट करें और सराहें, हमें भी, गहना को भी, और हमारे अर्चना राठौड़ के, हमारे इस गाने को भी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस BCN चैनल को देखें, और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद रोमिल जी आपका। एक सवाल था आपसे गहना जी, मुझे बताइए आप बॉलीवुड से जुड़ी हो, बॉलीवुड के कई सितारों का नाम जो है ड्रग्स से जुड़ा गया है, तो इस बारे में क्या बताओगे, बॉलीवुड पर ये जो ड्रग्स का साया है हम हर बार देखते हैं, तो इस बारे में क्या बोलना चाहोगे? देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये आप चाहें तो किसी से पूछ भी सकते हैं, मैं बिल्कुल भी हवा में बातें नहीं करती। आज मैं फिल्म इंडस्ट्री में 11 साल से हूँ, मैं अकेले रहती हूँ और मैं काम भी बहुत अच्छा करती हूँ,
ना मैं ड्रिंक करती हूँ, ना मैं सिगरेट पीती हूँ, ना मैं नॉनवेज खाती हूँ, ना मैं हुक्का पीती हूँ, ना मेरे अंदर कोई ऐब है। तो ये हमेशा ना पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी करती हैं। अगर आप किसी नॉर्मल एक रोड में चलते हुए लड़के को भी देखोगे ना, तो वो भी ड्रग्स वगैरह गांजे वगैरह पी रहा होगा। अगर आप किसी लाउंज में या क्लब में जाओगे वहाँ भी, बिकॉज बॉलीवुड के पास मीडिया है और जहाँ मीडिया है वो हमेशा सुर्खियों में है। तो जिसको करना है वो इंडिविजुअल करता है, बिना मतलब के बॉलीवुड को बार बार ड्रैग किया जा रहा है, जबकि बॉलीवुड एक ना बहुत बड़ा परिवार है जहाँ पे बहुत सारे अच्छे काम होते हैं। अगर बॉलीवुड में 100 फिल्में फैमिली पे किसी और पे बनती हैं, तो 2-4 फिल्में ड्रग्स पे भी बन जाती है, क्योंकि वो भी एक सामाजिक मुद्दा है। बट फिल्में ये नहीं कहती हैं कि आपको ड्रग्स करना चाहिए। कोई भी एक्टर या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर स्क्रीन पे आके ये नहीं कहता है कि ये ड्रग करना चाहिए। बॉलीवुड को खींचने से न्यूज़ ऑटोमेटिकली टॉप लाइन में आ जाती है, जैसे अभी शाहरुख के बेटे के साथ हुआ। ऑल ऑफ सडन एक अजीब सी इनफेमस सी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई, शाहरुख का बेटा फंस गया। बट अगर उसकी जगह कोई और होता जहाँ पे शायद हज़ारों करोड़ों की ड्रग्स इन्वॉल्व होती, वो न्यूज़ में नहीं आता, क्योंकि वो बॉलीवुड से रिलेटेड नहीं था। सो वेर एवर बॉलीवुड इज़ इन्वॉल्व सुर्खियाँ आ जाती हैं, इसलिए ड्रग्स से जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, क्या कहना चाहोगे नागपुर के दर्शकों को और नागपुर के फैन को और आपके ऑल ओवर इंडिया और इंडिया से बाहर जो फैन है उनके लिए क्या कहना चाहोगे, और आपके आने वाले जो कुछ भी मतलब प्रोजेक्ट है उसके बारे में? दोस्तों, मैं गहना वशिष्ठ, मैं बहुत ही छोटे शहर से आती हूँ। आज मैंने बॉलीवुड में जितना भी किया, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मुझे कोई शिकायतें नहीं हैं। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैं कहती हूँ अगर एट दी एंड आप काम से अपने खुश हैं तो आप सक्सेसफुल हैं, और अगर नहीं है तो फिर तो आपके पास बिलियंस भी हों आप हमेशा भागते रहेंगे। सो सक्सेस की परिभाषा आपको खुद तय करनी है। जीत हार लगी रहती है, आपको रुकना नहीं है, क्योंकि आप रुक गए तो लोग कहेंगे कि आप गलत हैं। बढ़ते रहो, लगे रहो, और बस अपना काम है करते रहो, फल एक दिन मिल जाएगा। नाम बता दीजिए एल्बम सॉन्ग का, बातें तो पूरी हो चुकी है, आपने भी बहुत बताया लेकिन नाम नहीं बताया। गाने, ये जो सॉन्ग है, सॉन्ग का नाम है जिस दिन से। जिस दिन से जो सॉन्ग है ये जल्द ही इसका शूट कंप्लीट होके रिलीज होने वाला है। हमारे साथ जिस दिन की जो पूरी टीम थी, गहना और आपकी पूरी टीम को BCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।